आप सभी को नमस्कार, मैं प्रज्ञेश विन्नेरकर सुखदा वर्ल्ड टूर्स एंड ट्रैवल्स का CMD इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज बात करते हैं, बहुत सारे इंडियंस आज USA, कनाडा, लंदन जाते हैं। हमारे यहाँ से वहाँ पे जाने के लिए लॉन्ग ड्यूरेशन फ्लाइट हमारे पास है। बहुत सारे लोगों को ये फ़्लाइट का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। सबसे पहले तो लोग बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, उसके बाद लोगों को बोरिंग फील होता है और हेक्टिक तो बहुत होते हैं। तो अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन फ्लाइट में जा रहे हैं तो कौन से चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिए। सबसे पहले, अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन फ्लाइट में जा रहे हैं तो फ्लाइट में जाने के पहले आप रेस्ट कीजिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अभी हमारे पास स्पेन से क्लाइंट आए थे इंडिया में घूमने के लिए, मुझे आज भी याद है, लास्ट डे जर्नी जब उनका फ्लाइट था, जब यहाँ से वो इंडिया से वापस स्पेन जा रहे थे, लास्ट डे उन्होंने कोई भी साइट सीन नहीं रखा और उन्होंने हम लोग को पहले ही बोल दिया कि सबसे पहले मुझे लास्ट डे में रेस्ट चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको भी इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। अगर आप लॉन्ग फ्लाइट जर्नी जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको रेस्ट करना चाहिए, ताकि आपको फ्लाइट में या फिर उतरने के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। नेक्स्ट, और एक चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए, अगर आपका जो सीट है वो अपग्रेड हो सकता है तो ज़रूर कीजिए। अगर आप इकोनॉमी क्लास छोड़ के अपग्रेडेड क्लास में जाएंगे तो आपको लेग रूम भी आराम से मिल जाएगा और आपका सीट भी बड़ा हो जाएगा। इससे फ़ायदा ये है कि आप जहाँ पे भी सो रहे या फिर जहाँ पे भी बैठ रहे, आपको तकलीफ़ नहीं होगी और आपका जो लॉन्ग जर्नी है वो ईजीली कम्प्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट, आपके जर्नी में आप ज़रूर देखिए कि आप कंफर्टेबल रहे। कंफर्टेबल का मतलब ये है, सबसे पहले आप ईज़ हो जाइए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि ये लॉन्ग जर्नी है। उसके बाद आपके हेडफोन्स, आपका नेक पिलो, आपका आई शेड, बुक्स आपके पास ज़रूर रखिए, ताकि आपकी लॉन्ग जर्नी में ये सब चीज़ें आपको आराम से ट्रैवल करने देंगी। एग्जाम्पल, अगर आपको बोर हो रहा है तो आप म्यूज़िक सुनिए, अगर आपको बैठने में तकलीफ़ हो रही है तो नेक पिलो यूज़ कीजिए, और आपको सोने या फिर नींद नहीं आ रही है तो आप आई शेड यूज़ कीजिए, ताकि आपको इस लॉन्ग जर्नी में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, कम से कम प्रॉब्लम ही आपको फेस करनी पड़ेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके जर्नी में आप गर्म कपड़े ज़रूर पहनिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लॉन्ग फ्लाइट जर्नी में कूलिंग बहुत ज़्यादा होता है और आपका बॉडी टेम्परेचर इसमें मेंटेन होना चाहिए। टाइट शूज़ मत पहनिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए तकलीफ़ हो सकती है। इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए, और आप जो भी लॉन्ग फ्लाइट जर्नी में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप कम से कम प्रॉब्लम फेस करेंगे। सो अगर आपको फील होता है कि ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर करना मत भूलिए। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे वीडियोस देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।